नोकिया सिर्फ 59 रुपीज में एक पूरा का पूरा स्मार्टफोन बेच रहा है, और वो भी ऐसा वैसा स्मार्टफोन नहीं, पुराने जमाने का कीपैड वाला नहीं, बल्कि ये लेटेस्ट एक स्मार्टफोन है जो कि 3 डेज का बैटरी लाइफ भी प्रोवाइड करता है, और जिसका नाम बेसिकली ये है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा इस स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम है नोकिया C21 प्लस। और ये दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे खरीदना है, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्टली आप जाकर नहीं खरीद सकते, डायरेक्टली अगर वेबसाइट में जाओगे या फिर गूगल में जाओगे सर्च करोगे तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है, वो स्टेप्स आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा मैं, तो वीडियो को दोस्तों पूरी एंड तक देखते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, उसके बिना आप कोई एक ऑफर नहीं मिलेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक अपडेट्स इन डिटेल डेली लेकर आता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है नोकिया की तरफ से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये C20 है और ये जो 21 है बेसिकली, और इसके स्पेक्स वगैरह तो आप गूगल कर सकते हो, अच्छे खासे स्पेक्स है, मतलब एक डिसेंट मिड रेंज स्मार्टफोन है ये, और जो कि लॉन्च जब हुआ था वो 12,000 में लॉन्च हुआ था। पर अभी दोस्तों अगर आप इसे देखोगे फ्लिपकार्ट वगैरह में तो आप लोगों को सिर्फ 9,700 में अभी मिल रहा है, 9,799, मतलब 9,800 में अभी करेंटली से सेल हो रहा है। पर इसको अगर आप लोग सिर्फ 59 रुपीज़ में खरीदना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उसके मदद से ये ऑफर आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये ऑफर अप्लाई करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो बनवा सकते हो, बहुत ही मतलब लाइफ टाइम फ्री वगैरह कार्ड है, ये मिल जाते हैं फ्री में। तो उसके बाद दोस्तों अगर आप ये कार्ड से परचेस कर रहे हो तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 490 का कैशबैक मिलेगा, जो कि प्राइस डाउन हो जाता है 9,800 से लेकर 9,300 तक, 309 हो जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि दोस्तों आप लोगों को मिलेगा, इसमें एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, और इस एक्सचेंज ऑफर में क्या किया जाएगा कि अगर आपका जो फोन एक्सचेंज कर रहे हो वो अच्छे कंडीशन में है तो आप लोगों को वो पूरा का पूरा डिस्काउंट कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा एग्जैक्टली तो नहीं, बेसिकली 9,250 रुपीज का एक्सचेंज बोनस मिलेगा आपको अगर कोई भी आप स्मार्टफोन को एक्सचेंज कर रहे हो, तो जिसका मदद से ये जो इसका फाइनल प्राइस जो हो जाता है वो सिर्फ 59 रुपीज हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे सिर्फ 59 रुपीज में खरीद सकते हो। तो ये है दोस्तों नोकिया के बारे में, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने कभी भी एक्सचेंज ऑफर में कोई फोन खरीदा है या फिर नहीं, और आप लोगों को कैसा लगा ये डील, कोई समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कि मतलब डिस्क्रिप्शन में कि कहां से खरीदना है, तो वहां से जाकर आप खरीद सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और कमेंट में बताना अपनी ओपिनियन इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन की रिप्लाई जरूर करता हूं, और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा कर तो डालना, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट्स इन डिटेल डेली लेकर आता हूं, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और दोस्तों हम लोग बहुत ज्यादा करीब है 2K सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसे आप लोग स्क्रॉल करके देख सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।